हेलो गाइस, वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ नई रेसिपी मैक्रोनी, ना वेजिटेबल मैक्रोनी। इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स मिक्स हैं, तो चलिए चलते हैं और वेजिटेबल मैक्रोनी बनाते हैं। कैमरा सेट करते हैं, वीडियो शूट करते हैं। अगर आपको मेरी वेजिटेबल मैक्रोनी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता चल ही चुका है, आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल मैक्रोनी। तो चलिए देखते हैं हमें किन किन सामानों की जरूरत है। 2 कप मैक्रोनी, मेजरिंग कप से 2 कप मैक्रोनी लिया है। 3 बड़े चम्मच सॉस, टोमेटो केचप, 1 बड़ी शिमला मिर्च, 1 बड़ी गाजर, 1 टमाटर और 5 से 7 मैंने फ्रेश बीन्स लिए हैं, जो इस तरीके से छोटे छोटे कट कर लिए हैं। और ये है कैबेज 2/3 कप। और इन सब सब्जियों को कट करने से पहले मैंने वॉश कर लिया था अच्छे से। ये मैंने लिया है 1/2 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक का टुकड़ा, 1 चम्मच मैगी मसाला, आप चाहें तो चाट मसाला ले सकते हैं, पानी पूरी मसाला ले सकते हैं, मिर्ची, नमक। तो मैक्रोनी के लिए चलिए सबसे पहले हम पानी को बॉईल करेंगे। हम इसमें डालेंगे 3 से 4 कप पानी। इसको ढक के रखेंगे, करीब 10 मिनट के लिए हम इसे ढकेंगे, जब तक पानी अच्छे से उबल नहीं जाता। चेक करते हैं पानी को, पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसमें मैक्रोनी को डालेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1 स्पून ऑयल ऐड करेंगे। और ऑयल इसलिए ऐड करते हैं ताकि मैक्रोनी स्टिकी ना हो। हम इसे 5 मिनट तक उबालेंगे अच्छे से और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये तले पे ना चिपके। मैक्रोनी हमारी उबलना शुरू हो गई है। मैक्रोनी हमारी उबल के ऊपर आ चुकी है और अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि अच्छे से बॉईल हुई है या नहीं। तो इस तरीके से हम इसको एक बार चाकू की हेल्प से कट करके देखेंगे और एकदम से अच्छे से कुक हो गई है। हम गैस बंद कर देंगे और स्ट्रेनर की हेल्प से पूरा पानी निकाल लेंगे। देखिए मैक्रोनी से मैंने पूरा पानी निकाल लिया है, अब हम इसे कुक करेंगे। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे और ये मैंने 2 स्पून ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम सबसे पहले इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे। और इसी के साथ में हम डाल देंगे इसमें गाजर। अब बीन्स डालेंगे। इसे थोड़ा कुक होने के लिए हम इसे ढककर रखेंगे। एक बार चेक करेंगे, तब इसमें डालेंगे हम शिमला मिर्च। अब इसमें ऐड करेंगे हम पत्ता गोभी।
टमाटर भी ऐड कर देंगे। मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, सॉल्ट डालूंगी हाफ स्पून। पहले हमने मैक्रोनी में भी डाल दिया था और साथ में अपन मैगी मसाला डालेंगे, उसमें भी सॉल्ट होता है, इसलिए सॉल्ट अपन अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब अपन ऐड करेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, ये अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, मैंने हाफ स्पून लिया है। अब ऐड करेंगे हम इसमें थोड़ी सी हींग, मैगी मसाला ऐड कर देंगे। हम इसमें टोमेटो केचप ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम ऐड करेंगे लास्ट में हमारी मैकरोनी। ये हमारी वेजिटेबल मैकरोनी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ धनिया। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।